टू मसाला मैजिक किचन। मसाला मैजिक किचन में मैं आज आपके साथ इस दो स्ट्रीट स्टाइल पिज्जा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, एक स्वीट कॉर्न कैप्सिकम पिज्जा और एक वेज की वेज पिज्जा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़े से स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लेंगे और थोड़े से शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च और येलो शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। एक पिज्जा पेस्ट लेंगे, इसमें हम नाइफ की हेल्प से इस तरह से इसमें थोड़ी सी कटिंग करेंगे ताकि हमारा जो पिज्जा है बाद में इजीली कट हो जाए। और इस तरह से नाइफ की हेल्प से इसमें छेदे बना देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पिज्जा एंड पास्ता सॉस डालूंगी। वेज मायोनीज और पिज्जा पास्ता सॉस को मैं इस तरह से पूरे पिज्जा में डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लूंगी। इसके बाद इसमें मैं स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम को अच्छे से फैला दूंगी डाल के। इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसमें मैं चीज डाल दूंगी काफी सारा। चीज को सब जगह स्प्रेड कर लूंगी। जो हमारा सेकंड टाइप का पिज्जा है वेज पिज्जा, उसे बनाने के लिए मैंने प्याज को बारीक काट लिया है। प्याज, टमाटर, येलो शिमला मिर्च, ग्रीन शिमला मिर्च और गाजर को बारीक काट लिया है और इसमें थोड़े से बॉइल्ड स्वीट कॉर्न ऐड किए हैं। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जैसे कि थोड़े से काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। थोड़े से ऑरेगेनो और थोड़ा चिली फ्लेक्स भी ऐड करूंगी। इन सभी को अच्छे से मिक्सअप कर दूंगी। पिज्जा बेस ले लिया है और उसमें चाकू से अच्छे से लाइंस बना दी है और उसमें चाकू से छेदे बना ली है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पिज्जा पास्ता सॉस डालूंगी। पिज्जा पास्ता सॉस को काफी अच्छे से इसमें फैला दूंगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा मायनीज भी डालूंगी। जो वेजिटेबल्स हमने रेडी की थी उनको डाल दूंगी। इसके ऊपर मैं चीज डाल के चीज को काफी अच्छे से इसमें स्प्रेड कर दूंगी पूरे पिज्जा में। जब हमारा चीज काफी अच्छे से इसमें स्प्रेड हो जाएगा, इसमें मैं थोड़े से टोमेटोस लंबे बारीक कटे हुए टोमेटो को मैंने दो हाफ कर लिए हैं रखूंगी। उसके बाद येलो कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम को भी मैंने लंबा बारीक काट लिया है। इसके बीच में मैं येलो और ग्रीन कैप्सिकम भी रखूंगी। इसको मैं ओटीजी में 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करूंगी दोनों पिज्जा को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्वीट कॉर्न पिज्जा स्ट्रीट स्टाइल और वेज पिज्जा स्ट्रीट स्टाइल बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं चीज़ में कितना अच्छा ऊपर से क्रस्ट आया है और ये नीचे से भी काफ़ी क्रिस्पी हुआ है। इसमें नीचे से भी काफ़ी अच्छा क्रस्ट आया है। इसके ऊपर मैं ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना चीज़ी बना है और नीचे से भी इसमें काफ़ी अच्छा क्रस्ट आया है, शायद आप देख रहे होंगे।